की दो पत्नियां दिति और अदिति। अदिति से देव प्रकट हुए, दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। नेओ काल में अंबिका अंबालिका ने अस्वीकृति पैदा की, यद्यपि ज्येष्ठ जनों का आदेश था कि महर्षि वेदव्यास वंश विस्तार के लिए अंबिका अंबालिका को संतति देंगे, गर्भाधान संस्कार संपन्न करेंगे। मां का आदेश हुआ, ज्येष्ठ जनों का मां गुरु है ऐसा मानकर, मां देव है ऐसा मानकर, मां की अवज्ञा नहीं की जा सकती ऐसा मानकर संतति उत्पत्ति के लिए, वंश विस्तार के लिए महर्षि वेदव्यास तत्पर हुए। एक ने असहमति तो नहीं की, आंख मूंद ली, अस्वीकृति अंतःकरण में ग्लानि, उसे अंधा धृतराष्ट्र पैदा हुआ। दूसरे से रोगी पांडु, मां समझ गई थी कहीं कोई भूल हुई, अंधा पुत्र पैदा नहीं हो सकता था, महर्षि वेदव्यास से अंधा नहीं हो सकता कोई, ऐसा रोगी बेटा हो ही नहीं सकता था, बहुओं ने कुछ गड़बड़ की। असहमति, ग्लानी, क्षोभ, आकुलता, बड़ा संस्कार है, सामान्य संस्कार नहीं। षोडश संस्कारों में जो सबसे दिव्य अनुपम उदात्त संस्कार है, जो ईश्वर की प्रेरणा से ही उसकी पूर्ति होती है, वह गर्भाधान संस्कार, जो प्रतिपदा के दिन नहीं होना चाहिए, भद्रा के दिन नहीं, रिक्ता तिथि में नहीं, ग्रहण काल में कभी नहीं, ग्रहण काल में नहीं हो सकता, संधि काल में भी नहीं, कभी नहीं, जिस दिन दो तिथि हो उस दिन भी नहीं, एकादशी के दिन कभी नहीं, कुछ ही तिथियां हैं, ऋतु स्नान के बाद की चौथी पांचवी छठी कौन सी तिथि लेनी है, हड़बड़ी क्या है, क्या इसमें सच में मनोविज्ञान नहीं काम करेगा, समझोगे नहीं, ये क्या है, बीज कैसा डाल रहे हो। इस पर हमने विद्वानों की चर्चाएं कराई हैं अनेक बार, मैं यति होने पर भी, सन्यासी होने पर भी, सर्वथा मैं अलग हूं इस संस्कार से, पर इसका अध्ययन तो मैंने किया है, पुंसवन का हमने हजारों पुंसवन कराए हैं, जब चौथा पांचवा महीना होता है हजारों, सातवा महीना सीमंतो नहीं, जात कर्म हमने, नामकरण, अन्नप्राशन, करण छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, लोग जिद करके तो हमें बुला लेते हैं विवाह संस्कार में भी कि भाई कुछ मत करना, बैठे रहना मंडपम में, तो आइए आपकी उपस्थिति से भी आनंद होगा। विदुर प्रकट हुए, दासी को भेजा, अंबालिका का जब क्रम आया तो अंबालिका ने अपना मुकुट पहनाकर, अपने वस्त्र पहनाकर और दासी को भेज दिया कि तू जा, दासी समर्पित हो गई। विदुर प्रकट हुए, विदुर एक रोगी पांडु, दूसरा अंधा धृतराष्ट्र, तीसरे विदुर धर्मात्मा। तो महर्षि वेदव्यास पूरे पूरे किसी में प्रकट हुए तो विदुर